एक दिन राधिका नदी में मछलियां पकड़ने जा रही थी, तभी पेड़ पर बैठी दो चुड़ैलों की नजर उस पर पड़ती है। वो देखो, एक औरत नदी की ओर जा रही है, चलो इसे अपने वश में कर लेते हैं। उसके बाद इसके जरिए हम नागिनों का शिकार करेंगे। हाँ, तूने सही कहा, हम चुड़ैलों का नागलोक में जाना मना है। ये एक इंसान है, इसे वहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद वो दोनों चुड़ैल राधिका के सामने पहुँच जाती हैं। चुड़ैल को देखते ही राधिका घबरा जाती है। हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अच्छी चुड़ैल हैं, हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। देखो, तुम बहुत गरीब लग रही हो, लगता है तुम्हारी माली हालत बहुत खराब है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपना गुजारा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अगर तुम हमारी बात मानो तो हम दोनों तुम्हें बहुत अमीर बना देंगे। अमीर बनने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो दोनों चुड़ैलें राधिका को अपनी गुफा में ले जाती हैं और उसे भूतिया पानी पिला देती हैं। अब तुम वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। हाँ, आज से मैं तुम दोनों की गुलाम हूँ, कहो मुझे क्या करना है। नदी के किनारे एक बड़ी सी सीढ़ी है जो सीधा नागलोक में जाती है, तुम्हें वहाँ जाकर नागिनों को पकड़ कर लाना होगा। उसके बाद राधिका नदी के किनारे मौजूद सीढ़ी से नीचे उतरकर नागलोक में पहुँच जाती है। तभी उसे पत्थर के ऊपर दो नागिन बैठी हुई दिखाई देती है। भूतिया पानी पीने की वजह से राधिका के अंदर बहुत शक्ति आ गई थी, वो उन दोनों नागिनों की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे, तुम हमें क्यों मार रही हो? आखिर हमने तुम्हारा क्यों बिगाड़ा है? हमें छोड़ दे, वरना हम तुझे काट कर जान से मार देंगे। तभी राधिका उन दोनों को जाल में कैद करके चुड़ैल के पास ले जाती है। फिर वो दोनों चुड़ैल उन दोनों नागिनों के शरीर के टुकड़े कर देती हैं। सुनो राधिका, तुम भी हमारे साथ ये नागिन खाओ, नागिनों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर राधिका भी उन दोनों चुड़ैलों के साथ मिलकर नागिनों का मांस खाने लगती है। उसके बाद वो दोनों चुड़ैलें राधिका को कुछ सोने के सिक्के दे देती हैं। अब तुम जाओ यहाँ से और कल सुबह वापस आ जाना। ठीक है। उसके बाद राधिका वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही राधिका सोने के सिक्के अपनी अलमारी में रखने लगती है। तभी उसकी सौतेली बेटी कंचन ये सब देख लेती है। अरे माँ, अचानक आज तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिल गए? राधिका कंचन को सारी बात बता देती है। माँ, ये गलत बात है, तुम अमीर बनने के लालच में मासूम नागिनों को नहीं मार सकती, आज के बाद तुम जंगल में नहीं जाओगी। अरे अपनी बकवास बंद कर, इतने साल मैंने गरीबी में बिताए हैं, अब मैं गरीब बनकर नहीं मरना चाहती। फिर अगले दिन राधिका वापस नागलोक जाकर वहाँ से दो नागिनों को पकड़कर चुड़ैलों के पास ले जाती है और उनके साथ मिलकर उन दोनों नागिनों को मारकर उन्हें खाने लगती है। दूसरी तरफ कंचन गुफा के पास खड़ी होकर ये सब देख लेती है। हे भगवान, मेरी माँ तो बहुत ही दुष्ट निकली, ये चुड़ैलों के साथ मिलकर नागिनों को खा रही है, मुझे कुछ करना होगा। कंचन ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ रानी नागिन आ जाती है। रानी नागिन फौरन गुफा के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्ति से दोनों चुड़ैलों के साथ साथ राधिका को भी रस्सी से बांध देती है। तुम तीनों ने नागलोक की नागिनों को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है, अब मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी दोनों चुड़ैलें अपनी शक्ति से रस्सी को जला देती हैं और रानी नागिन पर हमला कर देती हैं। दूसरी तरफ राधिका भी चुड़ैलों के साथ मिलकर रानी नागिन को मारना शुरू कर देती है। ये देख कंचन से रहा नहीं जाता और वो उसी वक्त एक बड़ा डंडा उठाकर चुड़ैलों के सिर पर वार कर देती है।
उसके बाद वो राधिका को भी मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। तभी मौका पाकर रानी नागिन अपने दांतों से तीनों को काटना शुरू कर देती है। रानी नागिन का जहर बहुत खतरनाक था। चुड़ैलों के साथ साथ राधिका भी दर्द से तड़पने लगती है। अरे मर गई रे, ओ, 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो तीनों अपना दम तोड़ देती हैं। इस तरह उन दुष्ट चुड़ैलों के साथ साथ राधिका को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। सुनो लड़की, तुमने सही वक्त पर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। उसके बाद रानी नागिन कंचन को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से कंचन की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो अमीर बनकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। किसी जंगल में एक जादुई अंजीर से बना हुआ घर मौजूद था। उस घर में 5 खूबसूरत बहनें रहती थी। फिर एक दिन उनके घर के बगल वाली नदी में पास के गांव से कुछ गरीब लड़के और लड़कियां मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक नदी में एक बड़ा मगरमच्छ बाहर निकल आता है और उसे देख सभी लड़के लड़कियां घबराकर नदी से बाहर निकल आते हैं। हम बड़ी मुश्किल से उम्मीद लेकर आए थे कि इस नदी में मछली पकड़ेंगे, लेकिन इस मगरमच्छ की वजह से हम एक भी मछली नहीं पकड़ सकते। लगता है आज भी हमें और हमारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। काश हमारे गांव में अकल न पड़ा होता तो आज हमें इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। पता नहीं हमारे जीवन के दुखों का अंत कब होगा। फिर वो सभी दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी राधिका की 5 बेटियां उन सभी को देख लेती हैं। उनके उदास चेहरे और उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े देख पांचों बहनों को उन पर तरस आ जाता है। लगता है ये लोग बहुत गरीब हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, चलो चलकर इनसे बात करते हैं। फिर पांचों बहनें उन गरीब लड़के लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। सुनो तुम सबको क्या परेशानी है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस साल हमारे गांव में फसल नहीं हुई जिस वजह से हम सभी गरीबी के मारे झेल रहे हैं, हमें रोज भूखा रहना पड़ता है। दूसरी तरफ भूख की वजह से हमारे गांव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी, चलो अपने घर की जादुई शक्ति से इन लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें उन लड़के लड़कियों को साथ लेकर अपने जादुई अंजीर के घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बहन घर के दीवार पर टंगी जादुई छड़ी उठाकर उसे घुमाने लगती है और अगले ही पल वो घर हवा में उड़ता हुआ उन लड़के लड़कियों के गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद उस जादुई अंजीर के घर के अंदर से ढेर सारा अनाज गांव के ऊपर बरसने लगता है। देखते ही देखते पूरे गांव की गलियां अनाज से भर जाती हैं। ये देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उन पांचों बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद वो पांचों अपनी जादुई अंजीर घर को लेकर वापस जंगल में लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन परी देश की एक दुष्ट परी उस जंगल की सैर करते हुए जादुई अंजीर के घर को देख लेती है। वो परी बहुत बेरहम थी, उसे इंसानों को मार कर खाना बहुत पसंद था। उन पांचों बहनों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उन्हें मार के खाने का फैसला करती है। फिर रात होते ही परी खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन पांचों बहनों को रस्सियों से बांध देती है। अब इन बहनों को अपने घर ले जाऊंगी और कल इन्हें मार कर मजे से इनको मांस खाऊंगी। लेकिन तभी उन पांचों बहनों की नींद खुल जाती है।
अरे कौन हो तुम और तुमने हमें इस तरह क्यों बांध रखा है? मुझे इंसानों को मार कर उनका मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम पांचों को अपने घर ले जा रही हूँ। चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं इसी वक्त तुम पांचों की जान ले लूंगी। अरे मूर्ख परी, तूने इस घर में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद तुझे पता नहीं हमारा ये घर पूरी तरह जादुई शक्तियों से भरा पड़ा है। अब तू तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। फिर अगले ही पल दीवार पर टंगी तलवार हवा में उड़ती हुई उन पांचों बहनों के शरीर में बंधी रस्सी काट देती है। उसके बाद घर की छत के ऊपर से ढेर सारे सैंडल परी के सर पर गिरने लगते हैं। अरे बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई इन सैंडलों को रोको। तभी छत के ऊपर से गरम तेल की कढ़ाई परी के ऊपर जा गिरती है, जिससे परी का पूरा शरीर जल जाता है। हाय मर गई रे, इस घर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे बचाओ। तुझे बहुत जलन हो रही है ना, ठहर जा अभी तेरी जलन शांत करती हूँ। फिर बड़ी बहन के इशारे पर एक बर्फ से भरी बाल्टी परी के ऊपर गिरती है। देखते ही देखते परी का शरीर बर्फ के रूप में जम जाता है। उसके बाद वो पांचों बहनें बर्फ बनी हुई परी को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। फिर वो परी नदी में बहती हुई वहां से बहुत दूर चली जाती है। फिर किसी तरह वो परी नदी से बाहर निकलकर वापस अपने परी देश भाग जाती है। उस दिन के बाद से उस दुष्ट परी के अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो दोबारा पृथ्वी पर जाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पांचों बहनें फिर से हंसी खुशी अपने अंजीर से बने हुए घर में रहने लगती हैं। किसी गांव में सोनम नाम की लड़की अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक बूढ़े जादूगर के पास जादू सीख रहा था ताकि वो बड़ा जादूगर बनकर पूरी दुनिया में अपना नाम कर सके। फिर एक दिन, सुनो राहुल बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे घर का ख्याल रखना, ये रही घर की चाबी। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर वहां से चला जाता है। जादूगर के जाने के बाद राहुल घर में रखी जादुई झाड़ू पर बैठ जाता है और हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। चलो सोनम, आज मैं तुम्हें जादुई झाड़ू पर बैठाकर सुंदर सुंदर जगहों की सैर करवाऊंगा। उसके बाद राहुल सोनम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर आसमान की सैर कराने लगता है। अरे वाह राहुल, आसमान से नीला समुंदर तो कितना खूबसूरत दिखता है, सच में ऐसा अद्भुत नजारा देखकर बहुत मजा आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने सामने बादलों के ऊपर दो आम के घर दिखाई देते हैं। आम के घर बहुत ही सुंदर थे। वो देखो सोनम, बादलों के ऊपर दो आम के घर हैं। फिर राहुल जादुई झाड़ू दोनों आम के घर के पास ले जाकर रोक देता है। तभी राहुल खिड़की से देखता है कि अंदर एक खूबसूरत लड़की जो किसी राजकुमारी की तरह दिख रही थी, वो एक मुलायम बिस्तर पर आराम से सो रही थी। राहुल उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसकी आंखें लड़की की खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती हैं। वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। राहुल के मुंह से गैर लड़की की तारीफ सुनकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति, तुम मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन राहुल पर उस लड़की की खूबसूरती हावी हो जाती है और वो सोनम को धक्का देकर दूर कर देता है। चल हट यहाँ से, तू इस लड़की के पैरों की नाखून के बराबर भी नहीं है, अब तो मैं इस खूबसूरत लड़की से शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद राहुल दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है।
लेकिन जैसे ही राहुल उस लड़की को उठाने के लिए उसे छूता है कि तभी अचानक उसकी गर्दन कटकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। ये देख राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लड़की का कटा हुआ सर एक डरावनी चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है। मैं एक सरकटी चुड़ैल हूँ, आखिर इतने सालों के इंतजार के बाद कोई नौजवान मेरे जाल में फंसी गया। अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। मैं कई सालों से प्यासी हूँ, आज मैं तुझे मारकर पेट भर तेरा खून पीऊंगी। तभी खिड़की के पास खड़ी सोनम जोर से चीख पड़ती है। सोनम को देख चुड़ैल का धर सोनम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सोनम जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से भाग निकलती है। उसकी बात सोनम राहुल की जान बचाने के लिए उस बूढ़े जादूगर के पास पहुंच जाती है और उसे अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उसके बाद बूढ़ा जादूगर अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकालता है और सोनम को लेकर बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इस दूसरे आम के घर के अंदर ताबूत मौजूद है, हमें चुड़ैल को पकड़कर इस ताबूत के अंदर बंद करना होगा। उसके बाद जादूगर उस घर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर रखा ताबूत उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ चुड़ैल राहुल को अपने नुकीले नाखूनों से मारकर बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन तभी बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के धड़ को बिजली के झटके देने लगता है। हाय मर गई रे, ये खतरनाक जादूगर कहाँ से आ गया, रे कोई बचाओ मुझे। तभी जादूगर चुड़ैल के धड़ को रस्सी से बांधकर उसकी कटे हुए सर को हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। फिर जादूगर चुड़ैल के धड़ और सर को ले जाकर ताबूत के अंदर बंद कर देता है और मंत्र पढ़कर उस ताबूत को आग लगा देता है। देखते ही देखते वो ताबूत जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। मुझे माफ कर दो सोनम, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राहुल की बात सुनकर सोनम उसे माफ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। किसी गांव में सोनम नाम की लड़की अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल एक बूढ़े जादूगर के पास जादू सीख रहा था ताकि वो बड़ा जादूगर बनकर पूरी दुनिया में अपना नाम कर सके। फिर एक दिन, सुनो राहुल बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे घर का ख्याल रखना, ये रही घर की चाबी। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर वहां से चला जाता है। जादूगर के जाने के बाद राहुल घर में रखी जादुई झाड़ू पर बैठ जाता है और हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। चलो सोनम, आज मैं तुम्हें जादुई झाड़ू पर बैठाकर सुंदर सुंदर जगहों की सैर करवाऊंगा। उसके बाद राहुल सोनम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर आसमान की सैर कराने लगता है। अरे वाह राहुल, आसमान से नीला समुंदर तो कितना खूबसूरत दिखता है, सच में ऐसा अद्भुत नजारा देखकर बहुत मजा आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने सामने बादलों के पर दो आम के घर दिखाई देते हैं। आम के घर बहुत ही सुंदर थे। वो देखो सोनम, बादलों के ऊपर दो आम के घर हैं। फिर राहुल जादुई झाड़ू दोनों आम के घर के पास ले जाकर रोक देता है। तभी राहुल खिड़की से देखता है कि अंदर एक खूबसूरत लड़की जो किसी राजकुमारी की तरह दिख रही थी, वो एक मुलायम बिस्तर पर आराम से सो रही थी। राहुल उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसकी आंखें लड़की की खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती हैं। वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। राहुल के मुंह से गैर लड़की की तारीफ सुनकर
सोनम को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है राहुल? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। तुम मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन राहुल पर उस लड़की की खूबसूरती हावी हो जाती है और वो सोनम को धक्का देकर दूर कर देता है। चल हट यहाँ से, तू इस लड़की के पैरों की नाखून के बराबर भी नहीं है। अब तो मैं इस खूबसूरत लड़की से शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके बाद राहुल दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल उस लड़की को उठाने के लिए उसे छूता है कि तभी अचानक उसकी गर्दन कटकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। ये देख राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लड़की का कटा हुआ सर एक डरावनी चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है। मैं एक सरकटी चुड़ैल हूँ, आखिर इतने सालों के इंतजार के बाद कोई नौजवान मेरे जाल में फंसी गया। अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। मैं कई सालों से प्यासी हूँ, आज मैं तुझे मारकर पेट भर तेरा खून पीऊंगी। तभी खिड़की के पास खड़ी सोनम जोर से चीख पड़ती है। सोनम को देख चुड़ैल का धर सोनम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सोनम जादुई झाड़ू पर बैठकर वहां से भाग निकलती है। उसके बाद सोनम राहुल की जान बचाने के लिए उस बूढ़े जादूगर के पास पहुंच जाती है और उसे अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उसके बाद बूढ़ा जादूगर अपनी मंत्र शक्ति से चुड़ैल को खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकालता है और सोनम को लेकर बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इस दूसरे आम के घर के अंदर ताबूत मौजूद है, हमें चुड़ैल को पकड़कर इस ताबूत के अंदर बंद करना होगा। उसके बाद जादूगर उस घर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर रखा ताबूत उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ चुड़ैल राहुल को अपनी नुकीले नाखूनों से मारकर बुरी तरह घायल कर देती है। लेकिन तभी बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के धड़ को बिजली के झटके देने लगता है। हाय मर गई रे, ये खतरनाक जादूगर कहाँ से आ गया रे, कोई बचाओ मुझे। तभी जादूगर चुड़ैल के धड़ को रस्सी से बांधकर उसकी कटे हुए सर को हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। फिर जादूगर चुड़ैल के धड़ और सर को ले जाकर ताबूत के अंदर बंद कर देता है और मंत्र पढ़कर उस ताबूत को आग लगा देता है। देखते ही देखते वो ताबूत जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। मुझे माफ कर दो सोनम, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राहुल की बात सुनकर सोनम उसे माफ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन सोनिया परिया और उसकी सहेलियां मटके से बने घर के ऊपर सवार होकर आसमान में उड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक उस मटके घर के ऊपर जोरदार बिजली गिरती है, जिस वजह से वो मटका घर बुरी तरह टूट जाता है और सभी परियां आसमान से जमीन की ओर गिरने लगती हैं। तभी खेतों में काम कर रहे कुछ लड़कियां ये नजारा देख लेती हैं। अरे वो देखो, आसमान में कुछ अजीब घटना हो रही है। अरे हाँ, ये तो खूबसूरत परियां आसमान से गिर रही हैं। ये नजारा तो बहुत ही अद्भुत है, ऐसा लगता है मानो परियों की बारिश हो रही हो। इतनी सारी परियां एक साथ मैंने कभी नहीं देखी। फिर देखते ही देखते सारी परियां एक बड़ी सी झील के अंदर आ गिरती हैं। चलो हमें जल्दी से उन परियों को बचाना होगा, कहीं झील में डूबने से उनकी मौत ना हो जाए। फिर गांव की लड़कियां दौड़कर झील के पानी में छलांग लगा देती हैं और एक एक कर सोनिया और उसकी सहेलियों को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन तब तक सारी परियां बेहोश हो चुकी थी। अरे ये परियां तो बेहोश हो गई है, चलो इन्हें उठाकर अपने गांव ले चलते हैं।
उसके बाद वो लड़कियां सभी परियों को उठाकर अपने गांव ले जाती हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटाकर उनकी मलम पट्टी कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद परियों को होश आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद सभी परियां भूख से परेशान होकर खाना मांगने लगती हैं। इन्हें तो बहुत जोर से भूख लगी है, चलो इन्हें खाना देते हैं। फिर गांव की लड़कियां सभी परियों के सामने ढेर सारा खाना रख देती हैं, लेकिन खाना खाते ही सभी परियां उल्टियां करने लगती हैं। हम इंसानों का खाना नहीं खा सकते, हमारे शरीर को सिर्फ परी देश का खाना खाने की आदत है, लगता है हमारी जादुई छड़ी झील में गिर गई है। मेहरबानी करके तुम सब हमारी जादुई छड़ियां ढूंढ कर ला दो, बिना जादुई छड़ी के हम अपने परिदेश नहीं लौट पाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम सभी इसी वक्त झील में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ियों को ढूंढ लाएंगे। उसके बाद गांव की सभी लड़कियां झील के पानी में उतरकर जादुई छड़ियों को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई जादुई छड़ी नहीं मिलती और वो सभी निराश होकर वापस गाँव लौट जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है हम अपने परिदेश कभी नहीं जा पाएंगी, और दूसरी तरफ यहाँ का खाना भी हमें हजम नहीं हो रहा, इस तरह हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। फिर सभी परियां अपनी बुरी किस्मत पर दुखी होकर रोने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक गांव में एक विशाल रूप धारण की जादूगरनी प्रकट हो जाती है। इस जादूगरनी का इतना बड़ा डरावना रूप देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। उस जादूगरनी के हाथ में एक बहुत बड़ी चमकदार जादुई छड़ी मौजूद थी। कहाँ है वो परियां? जल्दी से उन परियों को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर सोनिया परी अपनी सहेलियों के साथ दौड़ती हुई घर से बाहर निकल आती है। अरे तू कौन है और हमसे क्या चाहती है? मुझे झील के पानी में तुम सब की जादुई छड़ी मिली थी, उन छड़ियों को जोड़कर मैंने ये विशाल जादुई छड़ी तैयार कर ली। अब मैं तुम सब की परियों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, इन बेचारी परियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें छोड़ दो। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो खामोश हो जा लड़की, वरना मैं इसी वक्त तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी जादुई छड़ी से ढेर सारी बिजली प्रकट करने लगती है। ये देख सभी गांव वाले घबरा कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जैसे ही जादुई छड़ी पर गिरता है कि तभी जादूगरनी को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर जादूगरनी के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरी हड्डी पसली टूट गई, अरे कोई मेरी मदद करो। तभी मौका देखकर सोनिया परी उस विशाल जादुई छड़ी के पास पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगती है, और अगले ही पल विशाल जादुई छड़ी वापस छोटी छोटी छड़ियों में बदल जाती है। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी उठा लेती हैं। चलो इस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाते हैं। फिर वो सभी परियां जादूगरनी के शरीर पर एक बड़ा पत्थर बांध देती हैं और अपनी जादुई शक्ति से उसे हवा में उड़ाती हुई झील के पानी में फेंक देती हैं। पानी में डूबने से जादूगरनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सभी परियां गांव वालों का शुक्रिया अदा कर उन्हें इनाम के तौर पर ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वापस अपने परिदेश लौट जाती हैं।